नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और मेरा नाम निशात बुरा, मैं आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों का एक प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिएगा बार बार एक छोटे से हमारा ये जो वीडियो है यहाँ पर बनाने का आता है कि बहुत सारी चीजों को आपको घर बैठे ही इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आपको अननेसेसरी किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े और आपका समय भी बचे। आज मैं आप लोग सभी लोगों को बताऊंगा कि जमाबंदी, यानी कि अगर आपको कलेक्टर रेट पता करने, क्योंकि बहुत सारे कोई जैसे हुड्डा के सेक्टर्स में सेक्टर 4 5 कहीं पर भी बैठे हैं, और वो घर बैठे अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा कलेक्टर रेट कितना लगेगा, मेरे स्टैम्प का खर्चा कितना आएगा, मेरा रजिस्ट्रेशन का खर्चा कितना आएगा, वो सारे प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आपने करना क्या है, अगर आप अपने एरिया का कलेक्टर रेट पता करना चाहते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं तो वहां पर आपको जो कीमत आप देते हैं उसके अलावा वहां पर कलेक्टर रेट के हिसाब से आपको पेमेंट स्टैम्प पेपर्स खरीदने पड़ते हैं, जो कि हरियाणा सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। तो आप घर बैठे कैसे एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि मेरे एरिया का या जिस प्रॉपर्टी को मैं लेने का प्लान कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा रजिस्ट्री का, हम नॉर्मल भाषा में रजिस्ट्री बोल देते हैं, रजिस्ट्री का खर्चा कितना लगेगा, वो आप घर बैठे कैसे पता। आपने करना क्या, आपने गूगल के ऊपर जाना, यहाँ पर जमाबंदी .NIC.IN लिखना, तो आपका ये आ जाएगा फोन नकल एंड जमाबंदी, जमाबंदी .NIC.IN ये वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जाके और अपनी प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट, अपने एरिया की कलेक्टर रेट के बारे में देख सकेंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे, ये जो आपकी साइट ओपन करेंगे, तो आपके नेक्स्ट आ जाएगा कि पीछे देखिएगा, आपने जाना है टू नो कलेक्टर रेट, और फिर उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हिसार की, और हिसार के मैंने सिलेक्ट कर लिया डिस्ट्रिक्ट, और तहसील भी हमारी हिसार रहेगी, हिसार शहर की अगर मैं कर रहा हूँ तो तहसील हिसार शहर कौन से साल की। और दोस्तों, आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अभी 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट बढ़ जाएगा, तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो कोशिश करें कि उससे पहले अपनी रजिस्ट्री करवाएं, ताकि आपको जो कलेक्टर रेट है, क्योंकि यहां पर आपकी बचत सेविंग हो जाएगी। अभी पुराने कलेक्टर रेट के हिसाब से 31 मार्च तक लगेगा, फिर 1 अप्रैल से ये कलेक्टर रेट रिवाइज हो जाएंगे, और सभी एरिया के अंदर अगर मैं हिसार की बात करूं तो आप मान के चलिएगा कि लगभग प्रति गज के हिसाब से 2-3 हजार की इजाफा यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद जब आप यहाँ जाते हैं तो पीरियड में 2022 हमने डाल दिया, और विलेज दोबारा से हम यहाँ पर हिसार डालेंगे। आप किसी भी गांव का, अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है या फिर कोई और जमीन है, उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, और मैं यहाँ पर हिसार निकाल दिया और यहाँ पर कर दिया सबमिट। और जैसे ही यहाँ पर सबमिट होगा तो ये सारा का सारा एरिया अपना बजा यहाँ पर व्यवसायिक और जो हमारे निवासी, यानी कि रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों प्रॉपर्टीज के यहाँ पर आपको कलेक्टर रेट मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ सेक्टर्स के ऊपर, आपको यहाँ पर हिसार की सभी एरिया की यहाँ पर जानकारी मिलेगी, यानी कि B&R कॉलोनी हो, बिश्नोई कॉलोनी हो, उसके बाद में आप देख सकते हैं और सभी एरिया के यहाँ पर आप निकाल सकते हो। बैंक कॉलोनी, चलिए मैं बैंक कॉलोनी का आपको दिखाता हूँ। बैंक कॉलोनी का जो कॉमर्शियल है वो 35 हजार है, और रेजिडेंशियल का जो कलेक्टर रेट वहां का रखा हुआ वो 15 हजार रुपये प्रति घर। तो इसके हिसाब से आपकी जो स्टाम्प ड्यूटी है वो बनती है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप यहाँ पर नंबर 2, और जैसे नंबर 2 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आ गया अलग एरिया, और चौधरी ये डाबड़ा चौक, मतलब आपको सभी जगह की पूरी इस लिस्ट को जब आप देखेंगे तो आपको सभी एरिया के बारे में यहाँ पर कलेक्टर रेट घर बैठे आप
खुद निकाल सकते हैं। आपको कहीं फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से किसी वकील से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपनी कैलकुलेशन स्पष्ट रख सकते हैं। देखिएगा, हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको यहाँ पर जितनी भी जानकारी हो, आपको फेयर डील, हमारा कोशिश रहती है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाए, ताकि आप अपनी जो पूंजी का उसका सही जगह सदुपयोग कर पाए। और जैसे मैं लाजपत नगर का एक उदाहरण और देता हूं, लाजपत नगर में व्यवसाय या जो कॉमर्शियल है उसका 60,000 रुपए प्रति गज के हिसाब से, और जो रेजिडेंशियल है उसका 20,000 रुपए प्रति गज के हिसाब से यहां पर आपका ये है। और ये सारी की सारी आप लिस्ट यहां से देख सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें बताने से, देखिए जितनी पारदर्शिता के साथ में आप काम करेंगे, जितनी पारदर्शिता के साथ में आप रहेंगे, उतना ही आप अपने जो पूंजी है उसका सदुपयोग करें। आपको जितनी जानकारी होगी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। यहां पर ये जो सरकारी जो गवर्नमेंट द्वारा जो वेबसाइट तैयार की गई है उसके माध्यम से आप अपनी सारी जानकारी अपने पूरे एरिया की, और न केवल हिसार की बल्कि पूरे ऑल ओवर हरियाणा की, किसी भी क्षेत्र में आप बैठे हैं तो अपने गांव की और अपनी एग्रीकल्चर लैंड की, अपनी रेजिडेंशियल लैंड की कलेक्टर रेट की जानकारी ले सकते हैं। कलेक्टर रेट के ऊपर आपका एक्सपेंसेस कितना लगता है वो भी मैं आपको बता देता। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद अगर आप किसी पुरुष के नाम पर वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना चाहते हो, वहां पर आपको कलेक्टर रेट का 7%, और अगर महिला के नाम से आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हो वहां पर आपको 5% के हिसाब से आपका जो स्टाम्प पेपर है वो परचेज करने होते हैं। वो अगर आप खुद ऑनलाइन आप भी परचेज कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप या हमारे ऑफिस के पास में है, यहाँ पर काफी जो काम कर रहे हैं उनके माध्यम से भी ये निकलवा सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है। और अगर आप कंबाइंड देखिएगा, अगर कोई पुरुष सर्विस के अंदर, एक और आपका सवाल आता है कि अगर कोई पुरुष सर्विस में, क्या उसकी मैडम के नाम से लोन हो सकता। आपको चाहे आपकी मिसेज हो, आपके बच्चे हो, अगर वो 18 साल से ऊपर, आपको उनकी ITR फाइल जरूर करनी चाहिए, ताकि वक्त पड़ने पर उनके नाम से भी आप प्रॉपर्टी, उनके नाम से आप लोन करवा सकें, उनके नाम से आप आगे वो सारी चीजों के बैंक से फाइनेंस वगैरह करवाने में आपको मदद मिलेगी। और आप अगर खुद सर्विस में, तो आपकी मैडम के नाम से भी, अपनी वाइफ के नाम से भी आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। महिला के नाम से मैंने आपको बता दिया था कि महिला के नाम से अगर हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो वहां पर 5% यानी कि 2% की सेविंग यहाँ पर हो जाती है। और अगर आप कंबाइंड करवाते हो, महिला और पुरुष दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों कंबाइंड रह के अगर रजिस्ट्री करवाते हैं तो वहां पर 6% के हिसाब से टोटल जो अमाउंट बनेगी उसका 6% के हिसाब से आपके रजिस्ट्री का खर्चा आएगा। और ये था छोटा सा एक वीडियो दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हिसार की प्रॉपर्टी को लेकर के किस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, कहाँ पर कौन सी लोकेशन में क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारी जानकारी देने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट करिए। हमारा ऑफिस तोसाम डाबड़ा चौक से जो तोसाम रोड है वहां पर हुड्डा ऑफिस आता है, सेंट कबीर स्कूल आता है, उसके ठीक सामने जब आप मॉडल टाउन के अंदर आएंगे वहां पर हमारा ऑफिस मिलेगा, कार्यालय मिलेगा, वहां पर आप अधिक जानकारी ले पाएंगे। तो ये चलते हैं आज, और फिर कल फिर किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।
और हिसार में कोई भी प्रॉपर्टी बाय या सेल करने के लिए आप मेरा जो नीचे नंबर दिया हो उसके ऊपर आप संपर्क करें, उसके ऊपर आप कॉल करें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।